हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो आपका ये डायग्राम बना रखा है, इसमें एक बैटरी लगा दी हमने, ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, और इस तरह से ही ये R3 हमने मान लिया कि R3 रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो I डिफरेंट होता है और वी सेम होता है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस एक ही बैटरी पर कनेक्टेड हैं। तो वी सेम हो गया, आई डिफरेंट, जो डिफरेंट होती है क्वांटिटी उसी की इक्वेशन बनती है। तो यहां पर टोटल करंट था आई, पहली ब्रांच में गया I1, दूसरी ब्रांच में गया I2 और तीसरी ब्रांच में गया I3। तो इसलिए जो टोटल करंट आई होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा। अब हमारे पास करंट का फॉर्मूला है I=V/R। जैसा कि हमने बताया कि तीनों केसेस में V सेम रहेगा, तो I1 होगा V/R1, सिमिलरली I2 होगा V/R2, I3 होगा V/R3। हालांकि ये होना चाहिए था I1 V1/R1, बट V1 क्या है, V है। सिमिलरली I2 क्या होना चाहिए था, V2/R2, पर V2 क्या है, V2 भी V है। I3 क्या होगा, V3/R3, बट V3 भी V ही है, क्योंकि हमने कहा है या हमें पता है कि V सेम होता है तीनों में। अब इन तीनों को इस इक्वेशन 1 में आप सबमिट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी I=I1+I2+I3, या I=V1/V/R1/V/R2/V/R3। ठीक है, अब I इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो I=V/R होता है। अगर इक्विवेलेंट हमें बनाना है तो V/Rp लिख देंगे, यानी पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो I=V/Rp रख दिया। अब V कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा, V कॉमन हो गया V/Rp, और यहाँ पर V कॉमन हो गया तो ये हो गया 1/R1+1/R2+1/R3। तो V से V कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 1/Rp=1/R1+1/R2+1/R3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे कि I=V/Rp कैसे आया। देखिए I=V/R होता है, बट हमें तीनों के लिए एक इक्विवेलेंट बनाना है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल इक्विवेलेंट होगा, तो R की जगह पर हमने V/Rp रख दिया है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ये। अब इसको आप याद रख सकते हैं चीट कोड से, RpI, R यानी रेजिस्टेंस, P यानी पैरेलल, I यानी इनवर्सली एडेड। तो आप देख रहे हैं ये 1/R1 यानी R1 को इन्वर्स कर दिया है, प्लस 1/R2 R2 को इन्वर्स कर दिया है, 1/R3 R3 को इन्वर्स कर दिया है, और इन्वर्सली इन सबको ऐड किया है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो इक्वेलेंट हो जाएगा 1/Rp=1/R1+1/R2+1/R3। और जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है कि पैरेलल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस इज द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। लेट्स से कि एक और दो रेजिस्टेंस इनको पैरेलल में किया तो इसका आया 1/1+1/2, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आरपी। तो आप देखेंगे ये हो गया 2/3/2, सो R P=1/Rp=3/2, या रेसिप्रोकल लेंगे तो Rp=2/3, दैट इज 0.66। तो देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो स्मॉलर वैल्यू 1 ओम से भी छोटा है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे
और ये डेरिवेशन आपको पूरे अच्छे तरीके से आ जाएगा। डेरिवेशन की प्रैक्टिस करने का सिर्फ एक ही मकसद है, कारण है कि जब आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो सीरीज़ और पैरेलल के जो कॉन्सेप्ट हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपको करंट कैसे कैलकुलेट करना है, वोल्टेज कैसे निकालनी है, और तब आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।